डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। कहते हैं खुशियों को नजर लग जाती है, लेकिन सांगली के इस परिवार को तो कोरोना की ऐसी नजर लगी कि आज यहाँ सिर्फ गम और मातम बचा है। परिवार के वो दिन काल के गाल में समा चुके हैं और ये घर, आंगन, परिवार, रिश्तेदार सब अपनों की याद में तड़प रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिरशी गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सचिन झिमूर के परिवार में अब कोई नहीं बचा है। सिर्फ 13 घंटों के वक्त के छोटे से दायरे में एक एक करके परिवार के सारे लोगों को कोरोना ने छीन लिया। सबसे पहले सचिन के पिता 75 साल के सहदेव झिमूर कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। निजी अस्पताल में उनकी सांसें थम गई। उनकी पत्नी सुशीला भी कोरोना के संक्रमण से तड़प रही थी और पति की मौत के गम के बाद उनकी सासों ने भी साथ छोड़ दिया। 5 घंटे के अंदर पति पत्नी दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। माता पिता की देखभाल कर रहे बेटे सचिन के जिस्म में भी इस वक्त तक कोरोना वायरस दाखिल हो चुका था और माता पिता को खोने के चंद घंटों बाद बेटा भी कोरोना के सामने जंग हार गया। माता पिता और पुत्र तीनों 13 घंटे के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिंदगी की सांसें किसी लम्हे की कैद में नहीं होती, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। सांगली में चंद घंटों में पूरे परिवार का यूं चले जाना शोक और सबर का वो इम्तिहान है जो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।